तो मंजूर भुट्टो साहब के हवाले से भी मैंने लिखा है वाकई बरक्स फर्स्ट चीज जो हम समझते हैं। आपने सुनाया कि मंजूर भुट्टो का वालिद का जनाजा ना पढ़ने की सजा मिली थी, मंजूर भुट्टो साहब को इतना झूठ बिल्कुल बरक्स इस बाथरूम को तस्वीर में ऐड कर दी, मगर ये जो कर रहे हैं हरकत ये बिल्कुल असर का बरक्स पेश कर रहे हैं, 100% बरक्स। मुझे उन्होंने बड़े संजीदगी से सवाल किया कि मंजूर भुट्टो साहब ने अपने वालिद के जनाजे में किया, भला आपका इसके मुतालिक क्या मौकफ है। मैंने कहा अगर मजहबी इख्तलाफ की वजह से उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी इज्जत मेरे दिल में पहले से बढ़ गई है। ये सुन लेना, ये है इंटरव्यू और मैं इसकी कदर करता हूं, क्योंकि एक शख्स अगर मजहबी इख्तलाफ को फोकस देता है, रिश्ते को पीछे फेर देता है, तो अजमत किरदार की निशानी है। और आपके यहां मजहबी इख्तलाफ की वजह से तो जनाजे गैर के जनाजे पढ़ने के ऊपर ये फतवे हैं कि औलाद जल्दी जमा होगी और ये होगा, ये सारी मैंने बताई बातें। तो अगर उसके बावजूद ये करते तो फिर बुरी बात थी। मैंने कहा वाकया यह है कि अगर ये बात सच्ची है कि उन्होंने मजहबी इख्तलाफ की वजह से नहीं पढ़ा तो काबिल कदर है, इनकी अजमत पहले से बढ़कर मेरे दिल में है। लेकिन अगर मिलना से डर गए हैं तो ना उनका दीन रहा ना उनकी दुनिया रही। फिर सिला रेमीज भी टूटी और खाम खा का और उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये कहने के बाद मैंने कहा सालिक जो ईसाई वजीर हैं उन्होंने यह तबसरा किया कि ये इस वजह से इसकी वजारत दी गई, ये उनकी तरफ मंसूब करके बात कही। और ये मैंने कहा हाँ ये जरूर हो सकता है, जाने के मुतल्लिक में नहीं बिल्कुल अलग बात में, कि जिस बात का उन्होंने जवाब नहीं पड़ा उसी की दुआई हो कि उसकी जिंदगी में इनकी सुरख हुई रही, बस इतनी सी बात है। अब इस पर ये सुर्खी लगाना कि वो उसकी लानत पड़ी है उसकी सुनानी, इतना झूठ है मैं तो हैरान रह गया हूं। इस बात पर इनको अपना उन्होंने अपने दफ्तर पर ना क्या था, वाह वाह हमें तो शाह सुर्खी मिल गई। असल बात यह है कि मंजूर भुट्टो ने दुनिया की खातिर मौलवी की खातिर डर कर जनाजा नहीं पड़ा। नहीं तो मैं तो इम्कान रखे, मैंने तो फैसला नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये बताया है। अव्वल मेरा जवाब यह है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, बड़ी अजमत किरदार है। अगर मौलवी की वजह है तो फिर कुछ भी नहीं, ये बात है। इसका क्या इंटरव्यू लगाया, इनको इतना भी नहीं पता साफियों को कि सच्चा इंटरव्यू ज्यादा दिलचस्पी का मुझे बनता है। अगर इस तरह ये बातें अवाम के सामने पेश करते तो नया वक्त की बिक्री बढ़ जानी थी और नया वक्त को एक वकार हासिल हो जाता जैसे किसी जमाने में ही निजामी के जमाने में हुआ करता था। अब तो सारी काया पलट गई है, कुछ से कुछ बन गए हैं ये लोग। फिर देखा आप मुझे भी उनके शास के आपके खत और किताबें सामने होती होगी, बिल्कुल लेकिन डिटेल्स नहीं बताए आपने इसमें, डिटेल बनाने से इनकार कर दिया, एतराज किया, ये झूठ है। डिटेल बनाने से बताने से एतराज किया का ये तासु झूठ है कि कोई वसीदा राज बात थी, बिल्कुल झूठ है। हुआ ये कि इन्होंने मुझे अपनी तरफ से बड़े होशियारी से दाम में फंसाने की कोशिश की ताकि मौलवी का इल्जाम दुरुस्त साबित हो कि मंजूर भुट्टो साहब एमडी है। अच्छा अच्छा अब हम बैठे हैं तो ये बात भी ये राज सरबस्ता राज भी फिर खुल जाए कि मंजूर भुट्टो साहब तो एमडी थे ना बीच में से, नहीं बिल्कुल गलत हरगिज एमडी नहीं थे और मैं जाती तौर पर गवाह हूं क्योंकि एक जमाने में इसी मसले पर मेरी उनसे खुदाबत रही है और कभी भी ये एमडी नहीं हुए, वरना सत्य बताई थी चीजें में उनके एमडी हो जाना चाहिए था। इन मजमून से मैं बता चुका हूं उसकी तस्वीर की मेरी क्या जरूरत थी, ना मुझे पूरी याद थी कि क्या क्या बैसे उन्होंने उठाई क्या क्या जवाब मैंने दिए, मगर ये बहुत पुरानी बात है। सुशोक मंजूर भुट्टो साहब सियासत में नहीं थे उस जमाने में, इनको
ایک مربی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو چکے کہ والد مسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان سے بھی ان کا رابطہ ہوا، انہوں نے میرا بھی تعارف بھی کروایا تھا. تو وہ جو اعتراض کیا کرتے تھے، یہ انہوں نے کہا تم اس سے خط اعتراض کرو. تو جس سے اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے، کھول چکا ہوں کہ اس خط و عبادت کے نتیجے میں ذاتی طور پر قطعی گواہ ہوں کہ ہم بھی نہیں تھے. اب دیکھیں یہاں کیا بالکل ایسی ہوشیاری سے فکرہ استعمال کیا ہے جسے یہ تاثر پڑے شاید کہ منیر وٹو اور میری کچھ بصیر آواز خط و عبادت رہی ہے، اور وہ گویا کہ کئی عوامی مفادات کے خلاف ہوگی جسے مروج چاہتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی خوب کھولنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور کیا باتیں کی ہیں؟ ظہور مہدیے آخر زمان